कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हमीरपुर जिला में भी सरकारी कार्यालयों में होने वाली बैठकों और अन्य सभी आयोजनों में चाय, स्नैक्स और खाना परोसने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने इस संबंध में सभी एसडीएम और कार्यालय अध्यक्षों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों के आयोजनों के दौरान भी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें किचन, केटरिंग, टेंट और धाम इत्यादि कार्यों में काम करने वालों को आयोजन से पहले की 96 घंटे की अवधि के भीतर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। हमीरपुर में पिछले 2 दिनों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद जिला प्रशासन ने भी सरकारी कार्यालयों में सख्ती बरतना शुरू कर दी है। हमीरपुर उपायुक्त ने कार्यालय में होने वाली बैठकों व अन्य आयोजनों से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश सभी एसडीएम को जारी किए हैं। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि अब सरकारी बैठकों के दौरान चाय पान पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी, तो वहीं लंबी बैठकों के दौरान केवल पैकेट लंच ही उपलब्ध होगा। जिला हमीरपुर के ऑफिसेज हैं, उन सबको भी ये एडवाइस किया है, ये कहा है कि जितने हमारे इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, अब मीटिंग्स करनी ही है, जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो भी करने ही हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। और हमेशा जो है पॉसिबल नहीं होता कि हर कुछ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करें, तो मीटिंग्स भी होनी है, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, ये सब तो जरूरी है ही। इसके साथ साथ हमने कहा है कि पानी के अलावा जो है चाय या नाश्ता जो है वो मीटिंग्स में वहां पे बैठ के खाने के लिए सर्व ना हो। कई जगह पे मीटिंग्स लंबी होती हैं, जहां पे आपको कुछ ना कुछ लंच या भोजन देना जरूरी होता है, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं पूरा दिन, वहां पे भी पैक्ड, जहां तक पॉसिबल हो पैक्ड खाने का इंतजाम ही किया जाए, ताकि लोग वहां पे इमीडिएटली उस एनवायरमेंट में बैठ के नजदीक नजदीक बैठ के खाना ना खाएं, दूर दूर अपना स्प्रेड आउट होके खा सके, और ताकि वो एक संक्रमण का जो है एक सोर्स ना बने। अक्सर हमें देखा गया है कि साथ में बैठ के जो लोग खाते हैं, लंच भी खाते हैं अपने आप, जो डब्बा लाते हैं लंच करते हैं, उस समय मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग जहां भंग हो जाती है, वो एक संक्रमण का सोर्स बनता जा रहा है। जारी दिशा निर्देश है वो भी सभी डिपार्टमेंट्स और एसडीएम्स को हमने पहुंचाया है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कहा कि किसी भी कार्यालय में 5 से अधिक लोगों की उपस्थिति में होने वाली सभी बैठकों, विदाई पार्टी या किसी भी तरह के अन्य आयोजनों में पानी के अलावा कोई भी अन्य खाद्य सामग्री, चाय, स्नैक्स या खाना नहीं परोसा जा सकेगा। उपायुक्त ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को अपने अपने परिसरों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने के निर्देश देते हुए कहा कि वे कोरोना संबंधी सभी सावधानियों और दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें, इनका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। की गई है इसके मद्देनजर कि केसेस जो है रैपिडली बढ़ रहे हैं और ठंड का मौसम भी आ रहा है डेफिनेटली, और लोग त्योहारों के सीजन में भी बाहर निकल रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, तो उसके चलते कुछ मॉडिफिकेशंस जो हमारे एसओपीज में है वो जारी किए गए हैं। उसके तहत जितनी सामाजिक गतिविधियां, कार्यक्रम, शादियां, खेलकूद या और मनोरंजन के कोई भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जो है विशेष ध्यान दिए जाने की जो है जरूरत है, और हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, हैंड सैनिटाइजेशन जो है बिल्कुल सख्ती से उसका पालन करें। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रहेगी कि ये अपने जो कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजों का जो है भरपूर ध्यान रखा जाए। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एक मॉडिफिकेशन है कि कोई भी बंद कमरे में कोई भी इस तरह का आयोजन अगर होता है क्लोज्ड स्पेसेस में, तो उसमें एट मैक्सिमम 50% कैपेसिटी रूम की जो है, या कोई भी हॉल की, कमरे की, अप टू 50% कैपेसिटी ही जो है उसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर अप टू 100, जैसे 100 लोगों के से ज्यादा किसी भी हालत में जो है किसी भी क्लोज स्पेस में कोई कार्यक्रम या कोई भी आयोजन है वो नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जितने लोगों का कहीं सामाजिक तौर पे भोजन, धाम, इस तरह का कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ खाने की जो है अरेंजमेंट होना है, तो उसमें एक जो है एडिशनल एक क्लॉज जो ऐड किया गया है वो ये है कि पूर्व के 96 आवर्स के अंदर अंदर जहां पे भी इस तरह का जो है कम्युनिटी किचन या कम्युनिटी भोजन होना है, वहां पे जो लोग उसका खाना बनाएंगे, सर्व करेंगे, इस तरह के सारे लोगों का रैपिड टेस्ट होना जो है जरूरी है, ताकि कोई भी इस तरह की संक्रमण जो है वहां से ओरिजिनेट होके सब लोगों तक ना फैले। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने आस पड़ोस में कोरोना बीमारी के प्रति एहतियात बरतें और कार्यक्रमों की जानकारी प्रशासन के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कोरोना बीमारी पर काबू पाया जा सके। स्पेशली मेरा आग्रह रहेगा सभी
पंचायतों से, सभी कम्युनिटी के लोगों से भी, क्योंकि सबको पता होता है कि हमारे पड़ोस में जो शादी है, पड़ोस में कोई जागरण है या कुछ और इस तरह की सामाजिक गतिविधि है, तो वहां पे भी इन सारी जो है चीजों की जो जानकारी जो है बढ़ाएं, और कहीं भी जरूरत लगे तो हमें प्रशासन को जो इंटीमेट जरूर।